हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चीरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है मोमेंट घूर्ण। और जो भी इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक है। इसमें जो इट्स एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, पुरानी वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और इट्स एप्लीकेशन में हम सिंपल लीवर की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यौगिक लीवर कंपाउंड लीवर की। तो कंपाउंड लीवर क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल लीवर को मिलाकर कंपाउंड लीवर बनाए जाते हैं और कंपाउंड लीवर का प्रयोग अधिक लीवर लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कि सिंपल लीवर में क्या है कि सिंपल लीवर में लीवर लाभ कम होने के कारण किसी बोझ को उठाने के लिए हमें अधिक एफर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें अधिक बोझ को उठाने के लिए अगर कम एफर्ट की जरूरत है, यानी अधिक लीवर लाभ का रिक्वायरमेंट है, तो हम कंपाउंड लीवर का यूज करते हैं, यौगिक लीवर का प्रयोग करते हैं। तो यौगिक लीवर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल लीवर को मिलाकर बनाया गया लीवर यौगिक लीवर कहलाता है। देखिएगा, मान लिया ये कोई पहला लीवर है F1A B, कोई एक लीवर है A F1 B, और इसी प्रकार कोई दूसरा लीवर C D, और ये इसका फलक्रम F2। तो इसमें देखिएगा कि भाई दो लीवर है, एक तो A F1 B सिमिलर, दूसरा C D F2, यानी दो लीवर को मिलाकर हमने एक लीवर लाभ एक लीवर बनाया, वो लीवर हमारा यौगिक लीवर कहलाता है। तो देखिएगा, बात करें अगर यौगिक लीवर के लीवर लाभ की, कि व्हाट इज द लीवरेज ऑफ कंपाउंड लीवर, तो क्या होगा यौगिक लीवर का लीवर लाभ इज इक्वल टू होगा पहले लीवर का लीवर लाभ गुणा दूसरे लीवर का लीवर लाभ। इसी प्रकार अगर और भी लीवर है तो गुणा तीसरे लीवर का लीवर लाभ। तो यौगिक लीवर क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक सिंपल लीवर को मिलाकर बनाए जाते हैं यौगिक लीवर कहलाते हैं। अगर यौगिक लीवर के लीवर लाभ की बात करें तो जितने भी सिंपल लीवर उसके अंदर मिलाए गए हैं, सभी का अलग अलग लीवर लाभ निकालने के बाद उनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, यौगिक लीवर का लीवर लाभ प्राप्त होगा। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे। एक क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए यौगिक लीवर का लीवर लाभ ज्ञात कीजिए तथा क्या ज्ञात करना है, एक तो इसका लीवर लाभ ज्ञात करना है तथा यदि 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उससे कितना भार उठाया जा सकता है। या और इसमें डायमेंशनिंग इसने गिवन है हमें, या एफर्ट पी लगा है, ये डायमेंशन दी गई है 60 सेंटीमीटर, मान लिया ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, सिमिलर ये डायमेंशन मान लिया 55 सेंटीमीटर दी गई है, और ये दी गई है हमें डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, यहां क्या है W लगा है। अगर ये कोई कंपाउंड लीवर है और हमसे क्या पूछा गया है कि इसका लीवर लाभ बताना है और उसके साथ साथ हमें यदि 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उससे कितना भार उठाया जा सकता है, कि एफर्ट 20 न्यूटन है तो वेट कितना उससे उठाया जा सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा,
एक दो लीवर देखो इसमें बन रहे हैं, ए एफ वन बी, और दूसरा लीवर है सी डी एफ टू। तो पहले लीवर ए एफ वन बी का लीवर लाभ, देखिएगा लीवर लाभ क्या होता है, सिंपल लीवर का प्रयास भुजा बटे भार भुजा। तो इस लीवर के लिए प्रयास भुजा कौन सी होगी, आपने अगर सिंपल लीवर की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रयास भुजा कौन सी होती है, भार भुजा कौन सी होती है। तो इसमें देखिएगा प्रयास भुजा फल क्रम से प्रयास तक की डिस्टेंस, प्रयास भुजा सिमिलर फल क्रम से बोझ तक की डिस्टेंस, भार भुजा। तो ए एफ वन का मान 60 और बी एफ वन का मान 10 मिल गया। सिमिलर दूसरे लीवर कौन सा है, दूसरा सी डी एफ टू का लीवर लाभ, सिमिलर वही क्या होगा, प्रयास भुजा बटे भार भुजा। तो इस लीवर के लिए जो भार होगा वो इस लीवर के लिए क्या काम करेगा, इस लीवर के लिए वो प्रयास का काम करेगा, एफर्ट का काम करेगा। तो इसके लिए एफर्ट देखो कहां लगेगा, सी पॉइंट पे, और फलक्रम कहां है एफ टू, तो प्रयास भुजा कितनी हो गई सी एफ टू। सिमिलर भार कहां पे काम कर रहा है, डी पॉइंट पे, तो डी से एफ टू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, भार भुजा हो जाएगी, तो डी एफ टू। सिमिलर देखिएगा सी एफ टू कितना है, 55 प्लस 15 70 अपॉन 15। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यौगिक लीवर का लीवर लाभ निकालना है, यौगिक लीवर का लीवर लाभ। तो यौगिक लीवर का लीवर लाभ दोनों लीवर के लीवर लाभ की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लीवर ए एफ वन बी का लीवर लाभ गुणा लीवर सी डी एफ टू का लीवर लाभ। मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 60 बटे 10 गुणा 70 बटे 15 कितना हो गया, 7 चौका 28। तो कितना आ गया आंसर, 28 इसका एक आंसर हो गया कि जो यौगिक लीवर है कंपाउंड लीवर है उसका लीवर लाभ कितना होगा, 28 होगा। अब हमें क्या पूछा गया है कि अगर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उससे कितना बोझ उठाया जा सकता है, हमें पता है कि लीवर लाभ कितना होता है, लीवर लाभ बराबर होता है W बटे पी के, यानी भार बटे प्रयास। तो यहां देखिएगा भाई W बटे पी कितना हो गया, 28। तो यहां से अगर हम W की वैल्यू फाइंड आउट करें कितनी हो जाएगी, 28 इंटू पी, पुट करो 28 इंटू पी की वैल्यू 20 न्यूटन, तो W कितना हो गया, 28 गुणी 56 560 न्यूटन। ये हमारा W फाइंड आउट हो गया। तो इससे इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कंपाउंड लीवर से आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल में अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वीडियो में मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।